नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे पेपर कोड 875 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन है अथप्पू। अथप्पू किस त्योहार से संबंधित है? अथप्पू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स? ढोल यात्रा, ओनम, पोंगल या फिर विश्वकर्मा पूजा। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। अथप्पू जो है ये संबंधित है ओनम फेस्टिवल से। क्वेश्चन नंबर 26 बी, ओनम। ओनम कहाँ का फेस्टिवल है ये भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। ओनम जो है ये केरला का फेस्टिवल है। ओके, ये कल्चरल ट्रेडिशन है केरला में। और इसमें क्या होता है, केरलाइट्स दैट इन द 10 डेज लीडिंग टू ओनम फेस्टिवल एवरी हाउस विल क्रिएट अ पुकलम और फ्लावर पैटर्न। ओनम फेस्टिवल से 10 दिन पहले तक हर घर के सामने फूलों से एक पैटर्न बनाया जाता है जिसको हम पोकलम कहते हैं, ठीक है। द पोकलम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, और ये जो पोकलम बनता है इस त्योहार के पहले दिन, उसको हम अथप्पू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर है हमारा बी। द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज, ठीक है, बाजार में धन को निर्गत करने तथा उसकी निगरानी करने की जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो, फिक्स्ड रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो या फिर फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो। इसे कहा जाता है मिनिमम रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर है सी, दैट इज आर आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, और ये संबंधित है पॉलिटी से, ठीक है। पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, जो डाक मतदान होता है, डाक से आप अपना वोट भेजते हैं, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? डाक मतदान अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्लूरल वोटिंग, बहुल मतदान, प्रॉक्सी वोटिंग, वेड वोटिंग या फिर सीक्रेट वोटिंग, गुप्त मतदान। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर जो है हमारा पोस्टल वोटिंग का, इसका आंसर होगा प्रॉक्सी वोटिंग। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है बी, प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग ये एक प्रकार की वोटिंग है जहां पर जो कुछ सदस्य हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में डेलीगेट देयर वोटिंग पावर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम बॉडी टू वोट इन देयर एब्सेंस, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। 28 आंसर है बी। 29 ब्लैक माउंटेन्स कहां पर स्थित है? ब्लैक माउंटेन्स कहां स्थित है, काला पर्वत कहां स्थित है? ये कनाडा में है, नॉर्वे में है, स्विट्जरलैंड में है या फिर यूएसए में है? क्वेश्चन नंबर 29 ये लोकेटेड है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर है हमारा डी, यूएसए। ब्लैक माउंटेन्स ये माउंटेन रेंज है इन वेस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना इन साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बीएमडी टेस्टिंग इज डन टू डायग्नोज, जो बीएमडी परीक्षण किया जाता है वो किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? एक टेस्टिंग होती है जिसको हम बीएमडी टेस्टिंग कहते हैं। तो ये बीएमडी टेस्टिंग जो है ये डेंगू का पता लगाने के लिए, मलेरिया का पता लगाने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या एड्स के लिए, किसके लिए होती है ये की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर है हमारा सी, ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है? बीएमडी का फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस में कहा जाता है हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट होता है। ये ओनली टेस्ट है जो डायग्नोस कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस को, इससे पहले कि हड्डी में दरार आए, हड्डी क्रैक हो, बोन्स जो है वो ब्रेक हो। इस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है और संभावनाएं क्या है हड्डियों में दरार आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बोन्स जो है वो काफी नाजुक हो जाती हैं, जिस वजह से उनके फ्रैक्चर होने की, ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर है सी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है इस बीमारी के लिए जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। 31, रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा, जो आंखों में दृष्टि पटल होता है उसको परंपरागत कैमरे के किस भाग से उसकी तुलना की जाती है, वो कैमरे के किस भाग के जैसा होता है? वो फिल्म जैसा होता है, लेंस जैसा होता है, शटर जैसा होता है या आवरण जैसा होता है? फिल्म, लेंस, शटर और कवर। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर है हमारा 31 का ए, फिल्म।
जो ह्यूमन आई है वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम करती है, ओके, और ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज फ्रॉम इमेजेस. देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन आई एंड कैमरा, आंख में और कैमरे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, इंक्लूडिंग डायफ्राम ऑफ एन आई वर्क्स सेम एज शटर ऑफ द कैमरा. देखो आंख में जो एक पोर्शन है जिसको, एक पार्ट है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो कैमरे के शटर के प्रकार है. जो लेंस है, लेंस टू फोकस द लाइट एंड क्रिएट एन इमेज. द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड इन अ कैमरा. फिल्म इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इमेज. और आंख में, इन द आई, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. जैसे कैमरे में फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होती है इमेज, वैसे ही आंख में रेटिना के ऊपर होगी. तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आंसर क्या है? 31 है ए, फिल्म. 32, हवाई गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है क्योंकि. हवाई गुब्बारे जो हमारे एयर बलून्स होते हैं उनमें हम हीलियम को क्यों प्रेफर करते हैं हाइड्रोजन की तुलना में? क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि ये सस्ती होती है, इसका जो घनत्व है वो कम है, इसका घनमव कम है. उसके बाद यहाँ पर है, इसके उत्थान की शक्ति अधिक होती है, या इट डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है. ये हमारे चार ऑप्शंस. यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूंगी स्पेलिंग का, ये घनत्व है, घनत्व होता है आपकी डेंसिटी, ठीक है. अब यहाँ पर पूछा गया है कि हीलियम को हम क्यों प्रेफर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा डी, क्योंकि ये एक एक्सप्लोसिव विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है हवा के साथ, वायु के साथ. 32 डी, हीलियम जो है ये एक स्पेशल गैस है, ठीक है, इसको हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये जलती नहीं है, ज्वलनशील नहीं है, विच मीन्स इट डज नॉट बर्न. When a match is held near a helium-filled balloon, the balloon pops. जब एक हीलियम से भरे हुए बलून के पास हम एक मैचस्टिक लेकर जाते हैं, जलती हुई मैचस्टिक, तो फिर बलून जो है वो पॉप हो जाता है, और यही होगा. When a match is held near a hydrogen-filled balloon, there is a real explosion. तब असली धमाका होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है it burns very easily. इट कंबाइन्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर वेपर बनाती है, इसलिए हम जो है हम हीलियम का प्रयोग करते हैं हवाई गुब्बारों में. क्वेश्चन नंबर 32 आंसर है डी. स्टैनले कप इज एसोसिएटेड विद, स्टैनले कप का संबंध किससे है? स्टैनले कप का संबंध बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से, या आइस हॉकी से किससे है? क्वेश्चन नंबर 33, जो स्टैनले कप है उसका संबंध है आइस हॉकी से. ये हमारा आंसर है, आंसर है डी, 33 डी. 34, इफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देन दे कम एज, यदि आप इन घटनाओं को काल क्रम के अनुसार आयोजित करते हैं तो इनका सही क्रम क्या होगा. ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर चार इवेंट्स दिए हुए हैं, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट. आपको इनको क्रमवार क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है. अब बताइए कौन सा पहले आएगा, दांडी मार्च. अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम इनकी डेट्स जाननी होंगी कि कौन सी घटना कब घटित हुई, ठीक है. अब हम इनकी डेट्स देखते हैं. जो स्वदेशी मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और ये 1905 और 1911 की बातें हैं. तो स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 से 1911 की बातें, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1905 से लेकर 1911 तक, ठीक है. आगे चलते हैं. अब उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी अगली घटना है, जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी है, वो हुई है 13 अप्रैल 1990 को, ठीक है. 13 अप्रैल 1990 ये रहा जलियांवाला बाग, यहाँ लिख दीजिए 13 अप्रैल 1919, ओके. उसके बाद रह गया दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट. जो दांडी मार्च है ये सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में हुआ था, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था. दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, तो हम दांडी मार्च के सामने लिख देते हैं 12 मार्च 1930, ठीक है. और फिर फाइनली है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन. ये कब हुआ था, ये वाला है 8 अगस्त 1942 को, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने अपने बॉम्बे सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942, ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट
8 अगस्त 1942। अब इनको क्रमवार लगाते हैं, तो सबसे पहले आएगा हमारा स्वदेशी मूवमेंट डी। स्वदेशी मूवमेंट डी यहां पर है और यहां पर है फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट होगा हमारा। इसके बाद आएगा हमारा जलियांवाला बाग, ये नंबर टू है, ये हमारा नंबर थ्री है और फाइनली ये नंबर फोर है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा डी बी ए सी। तो डी बी ए सी कहाँ है, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर इज सी, ये हमारा उत्तर है क्वेश्चन 34। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन 35 पर। Which Charter Act brought to an end the East India Company's monopoly in India's foreign trade? निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के विदेशी व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया? ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का, 1813 का या फिर 1833 का, ये चार आंसर्स है हमारे क्वेश्चन नंबर 35। 35 का आंसर है 1813। जो 1813 वाला एक्ट था उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड वो बिल्कुल खत्म कर दी, और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी से ये भी कहा गया कि वो सालाना 1,00,000 रुपया खर्च करेंगे भारतीयों की शिक्षा पर, इंडियंस की एजुकेशन पर। 35 हमारा आंसर है सी, 35 सी आंसर है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसने एंड की मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है, लेकिन कंपनी की जो मोनोपोली थी वो चाइना के साथ तो कंटिन्यू रही, कंपनी की जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड थी चाइना के साथ कंटिन्यू रही, और साथ ही उनका जो ट्रेड इन टी था, टी में अभी भी उनका एकाधिकार बना रहा। पहली बार ये क्लियरली कहा गया, इट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, दिस एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट। 35 C, 36 भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, ये कानून के शासन पर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या फिर ये प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशन इन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 36, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेस्ड है आपके प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर। 36 C, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू रेफर्स टू पावर ऑफ जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वॉइड। अगर कोई भी लॉ या ऑर्डर ऐसा बना देता है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो कि संविधान के खिलाफ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जुडिशियरी है उसको रिव्यू करके ऐसे लॉ को सेट असाइड करेगी। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है सी। 37 विच विटामिन इज कॉल्ड अल्फा टोकोफेरोल, ठीक है, अल्फा टोकोफेरोल किसे कहते हैं? विटामिन बी, ई, के या फिर ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 37, ये दूसरा नाम है विटामिन ई का। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है बी। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई इज कॉल्ड, यहां पर डेल्फा नहीं होगा, यहां पर होगा आपका अल्फा, ठीक है, उसको हम अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं, इसलिए आप ये डी हटा दीजिए। एंड इट इज द कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स विद डिस्टिंक्टिव एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज। 37 बी। 38 कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है? आजकल एक दो क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर्स से भी आ जाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रीबूट द कंप्यूटर। क्वेश्चन 38, रीबूट करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट डेल दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट टैब दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डेल दबाएंगे या कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर है हमारा ए, आप दबाएंगे कंट्रोल एल्ट और डेल, ये आपको दबाना है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, बताइए वो कौन सा प्राधिकार है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की अनुमति प्रदान करता है, वो कौन सा प्राधिकार है? कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक कर सकता है, कोई भी एक्सचेंज बैंक कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, अधिकार किसके पास है? ये काम करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हमारा है
सी। 40 शिवाजी ने किसके साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में साइन की थी? विद होम शिवाजी साइंड द फेमस ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। निम्नलिखित में से किसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की थी? जसवंत सिंह, जय सिंह प्रथम, शेष्टा खान या फिर दिलेर खान। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है जय सिंह। जय सिंह ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर और इसके तहत शिवाजी को अपने बहुत सारे किले देने पड़े थे औरंगजेब को। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1665 में। ओके, दैट्स द आंसर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर एग्जैक्ट डेट है इसकी 11 जून 1665। ये राजपूत रूलर जयसिंह के साथ साइन की गई थी। शिवाजी ने साइन किए थे जो, और ये जो जयसिंह थे ये कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर थे एंड मराठा ही हु वाज कमांडर ऑफ द मुगल एम्पायर, और साथ में ये ट्रीटी साइन की गई थी शिवाजी के साथ। 40B। 41 Who among the following led the agitation against the partition of Bengal 1905? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में होने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो कौन था जिसने जब एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उसका उसने नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 41, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। आंसर है हमारा ए। इन्होंने पूरे बंगाल में सभाएं की, स्वदेशी के बारे में लोगों को बताया, उनको प्रेरणा दी कि आप विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर है ए। 42 Under which one of the following articles of the Indian Constitution, Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of the Legislative Council? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा विधान परिषद का निर्माण करती है? ठीक है ना, अब अगर किसी स्टेट में लगता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, तो वो कौन सा एक्ट है उनको जो ये पावर देता है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर है बी 169। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा बी 169। जो आर्टिकल 169 है वो स्पष्ट रूप से कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल और फॉर क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल इन अ स्टेट हैविंग नो काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन पारित कर दे, ठीक है, और वो जो रेजोल्यूशन है वो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली से पारित हो एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो ये पारित कर दे कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की आवश्यकता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट क्रिएट कर देगी। और अगर कहेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर ऑलरेडी है उसकी आवश्यकता नहीं है तो पार्लियामेंट जो है वो उसको हटा देगी। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा बी 169। The minimum height of a plane mirror to see the full-size image of a person is equal to, ठीक है? अगर एक इंसान की आपको पूरी इमेज देखनी है, उसके पूरा आपको प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो वो जो दर्पण है, वो जो मिरर है, उसकी मिनिमम हाइट कितनी हो, ये पूछा गया है। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये होगी हाइट ऑफ द पर्सन, जितनी उस इंसान की हाइट है उतनी हाइट का आपको मिरर चाहिए, हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई के आधे बराबर ऊंचाई का आपको शीशा चाहिए, 1/4 द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 के बराबर या व्यक्ति की ऊंचाई के 2x के बराबर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई के आधे के बराबर। 43 इज बी। The minimum height of a plane mirror to see the full size image of a person is equal to half the height of the person. और ये किस principle पर based है? It is based on the principle of reflection, जो ये कहता है angle of incidence equals the angle of reflection. ठीक है? Question number 43 answer है हमारा B. 44 यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गगन सिस्टम, ठीक है, जो कि एयरलाइन ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाएगा और खर्चों को कम करेगा। ये गगन का फुल फॉर्म क्या है?
केंद्र सरकार ने एयरलाइन संचालन प्रणाली को और अधिक कुशल तथा सस्ता बनाने के लिए गगन प्रणाली की शुरुआत की है। इस गगन प्रणाली का पूर्ण नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? जियो एडेड जीपीएस ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ठीक है, ये है हमारा नेविगेशन। फिर है जियो ऑग्यूमेंटेड जीपीएस एडेड नेविगेशन या जी एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर है हमारा बी, ओके, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन 44B। GPS aided geo augmented navigation Gagan, it is an implementation of a regional satellite based augmentation system. The AAI is effort towards implementation of operational SBAS can be viewed as first step towards introduction of modern communication, navigation, surveillance, air traffic management system over Indian airspace. 44B. Agla 45, okay. मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कम से कम कितने कर्मचारी हों जो एक ट्रेड यूनियन की स्थापना कर सकते हैं और इस ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या जो एक व्यापार संघ बना सकते हैं तथा व्यापार संघ अधिनियम के तहत पंजीकृत करा सकते हैं, उनकी संख्या बताइए। संख्या 7 हो, 25 हो, 100 हो या फिर 50 हो। क्वेश्चन नंबर 45, केवल 7, ठीक है, 7 लोग जो है वो मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और उसको रजिस्टर करा सकते हैं। आपको केवल 7 कर्मचारी चाहिए। 45, ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001 ये कहता है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन के लिए आपको चाहिए, शल एट ऑल टाइम्स कंटिन्यू टू हैव नॉट लेस देन 10% और 100% ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7% एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट। तो मिनिमम 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 46, इनमें से वो कौन सा पेयर है जो सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जेम्स वॉट स्टीव मिंजन, एजी बेल टेलीफोन, जे एल बयार्ड टेलीविजन, जे परकिंसन पेंसिलिन। क्वेश्चन नंबर 46, ओके, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की थी, सही है, अलेक्जेंडर ग्राम ने बेल ने टेलीफोन की, सही है, जे एल बयार्ड ने टेलीविजन की, सही है, ये गलत है आपका, ऑप्शन डी गलत है। तो 46 का आंसर है डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी और जे परकिंस जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है उन्होंने खोज की थी रेफ्रिजरेटर की। देखिए तो जे परकिंस के साथ कौन जाएगा, रेफ्रिजरेटर। कुलगाडी लाइज इन द ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस ऑफ, ठीक है, कुलगाडी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, ये है हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये स्थित है न्यू साउथ वेल्स में, नॉर्दर्न टेरिटरी में, क्वींसलैंड में या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 47, ये लोकेटेड है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। 47 का आंसर क्या है, डी, कुलगाडी, ये स्मॉल टाउन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल पर्थ। 48, जो 6th सेंचुरी BC थी, इट वॉज एन एज ऑफ, जो छठी शताब्दी थी ईसा पूर्व BC में, वो किसका युग था, वो रीजनिंग का युग था, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का युग था, बौद्धिक जागृति का, राजनीतिक अशांति, राजनीतिक उथल पथल पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक अशांति का टाइम था या रिलीजियस फर्मेंट का टाइम था। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर इस टाइम है हमारा वो रिलीजियस फर्मेंट का युग था, ठीक है, हालांकि इससे हम इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर होगा हमारा डी। रेवोल्यूशन ऑफ 6th सेंचुरी BC, उस टाइम में अलग अलग धर्मों की शुरुआत हुई और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे लॉर्ड बुद्ध और लॉर्ड महावीर, जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दिया, ये इसी समय का है, ठीक है। उस समय जो लोग थे वो ब्राह्मणिकल रिलीजन से, हिंदुइज्म से, याजनाओं से, सैक्रिफाइसेस से, इतनी सारी चीजों से काफी दुखी थे, ठीक है, तो इसलिए फिर इस टाइम में बहुत सारी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई और साथ में ये दो नए धर्म भी आए। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है हमारा डी।
49, the council of ministers does not include, निम्न में से कौन मंत्री परिषद का भाग नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, डेप्यूटी मिनिस्टर, इनमें से कौन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49, आंसर है हमारा सी, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। 49C। आर्टिकल 74 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पष्ट रूप से कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर तीनों शामिल हैं। 49C। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। रिकमेंडेशंस ऑफ सेटिंग अप द नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन प्रपोज्ड बाय, किसने ये कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंध अधिकरण और राज्य पर्यावरण प्रबंध अधिकरण की स्थापना की जाए? कौन है जिसने ऐसा कहा? ये कहा सुब्रमण्यम पैनल ने, शुंगलू पैनल ने, या फिर केलकर पैनल ने, या फिर जावेडकर पैनल ने, ये चार हैं आपके। ये कहा सुब्रमण्यम पैनल ने। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर है हमारा ए। ठीक है, अंडर द न्यू प्रपोज्ड एनवायरनमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट, फुल टाइम एक्सपर्ट बॉडीज नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली। और ये किसने कहा? ये कहा था TSR सुब्रमण्यम पैनल ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आंसर है ए। और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन, जिसमें कि मैंने आपके साथ जनरल अवेयरनेस सेक्शन किया हिंदी मीडियम में, ये खत्म होती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।